नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड रिटेंशन में। अभी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एक टाइप का परफॉर्मेंस गारंटी है जो कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ से क्लाइंट को दिया रहता है कि हम लोग ये काम सही समय में कंप्लीट करेंगे। अभी उसके लिए क्या क्लाइंट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर से एक सर्टन अमाउंट का गारंटी लेता है। अभी उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी बोलते हैं। कोई भी टेंडर जब ओपन होता है इसमें L1 बीडर रहता है। वो L1 बीडर होने के बाद उसको ऑलमोस्ट अराउंड 2 मंथ्स के अंदर या फिर 60 डेज के अंदर वो परफॉर्मेंस गारंटी क्लाइंट को देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। सक्सेसफुल जो भी टेंडर रहेगा, L1 जो भी टेंडर रहेगा, उसका अमाउंट में भी 5% to 10% रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट, इट डिपेंड्स अपॉन टेंडर टू टेंडर। तो ये 60 डेज के अंदर उसने सबमिट नहीं किया तो टेंडर कैंसिल हो जाता है, उसका टेंडर उससे वापस लिया जाता है। इसलिए उसको 60 डेज के अंदर परफॉर्मेंस गारंटी देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद उसका पर्पस क्या है? अभी पर्पस क्या है क्लाइंट के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ये काम इतना दिन में कंप्लीट करेगा, एक टाइप का एश्योरेंस भी है कि वो आप लोग हम लोग इतना काम करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, इतना शेड्यूल में काम करेंगे। उसका फाइनेंशियली बाइंडिंग होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले जब L1 कॉन्ट्रैक्टर होता है तो 60 डेज के अंदर वो सबमिट करता है परफॉर्मेंस गारंटी। तो सबमिट करने के बाद में उसको काम वर्क ऑर्डर काम शुरू हो जाता है। काम शुरू होने के बाद में रेगुलर उसका रिव्यूज वगैरह शुरू रहता है। तो उसके बाद परफॉर्मेंस गारंटी उसको वापस भी मिलती है। इसमें 5% अगर है तो 2.5% उसको ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मिलती है और 2.5% आफ्टर DLP, मतलब डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मिलती है। अभी ये 5% जो भी रहेगा, हमने कंसीडर किया हमें अगर 5% है तो उसमें 5% में से कुछ जैसे अभी 14 डेज के अंदर, मतलब डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद 14 डेज के अंदर मिलती है। और ये जो कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद ही ये मिलती है। अभी हम देखेंगे रिटेंशन मनी क्या है। रिटेंशन मनी एक मतलब एक सर्टन अमाउंट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के हर बिल से डिडक्ट किया जाता है, ताकि उसके कुछ भी मतलब ऑब्लिगेशन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में काम में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक होल्ड किया जाता है अमाउंट, ताकि वो जो भी पूरा कर सके उसके बाद उसको रिलीज़ किया जा सके। तो ये रिटेंशन मनी जनरली अलग अलग परसेंटेज, 3%, 5%, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट और टेंडर टू टेंडर। तो ये रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्टर को वापस मिलता है, वो मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में या फिर कुछ कुछ कंडीशन में, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट में DLP खत्म होने के बाद में, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद में ये इसका जो अमाउंट है वो उसको वापस मिलता है। तो रिटेंशन मनी इस तरह से एक टाइप का विथड्रॉल पेमेंट है जो कि वो कॉन्ट्रैक्टर से हर वे में परसेंटेज के हिसाब से होल्ड किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।